नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। वक्त हो गया दिन की 25 बड़ी खबरें बताने का। कश्मीर पर यूएन के सामने फिर रोया पाकिस्तान, इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग रखी। पाक का नया पैंतरा, इमरान आज गुलाम कश्मीर में मना रहे पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, हुर्रियत नेताओं से मिलेंगे। बलूचिस्तान में ऐलान, पाकिस्तान से आजाद होते ही पहली मूर्ति मोदी की लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में हटाया गया रविदास मंदिर, पंजाब हरियाणा में जबरदस्त प्रदर्शन। जयपुर में फिर उपद्रव, 30 वाहनों में तोड़फोड़, अब 15 थाना इलाकों में धारा 144 लगाई, इंटरनेट भी बंद। बाढ़ का कहर, मरने वालों की संख्या हुई 225, मुंबई में भारी बारिश के चलते कई ट्रेनें रद्द। मॉब लिंचिंग, पहलू खान हत्याकांड मामले में आज आएगा फैसला। शारदा चिटफंड केस, ईडी के सामने आज पेश होंगे टीएमसी के पूर्व सांसद कुणाल घोष। तेलंगाना के हॉस्टल में पानी की कमी, प्रिंसिपल ने कटवा दी 150 छात्रों के बाल। जाकिर नाइक ने मलेशियाई हिंदुओं पर उठाए सवाल, हो सकता है एक्शन। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद से सहानुभूति रखने वाले कर रहे 370 हटाने का विरोध। पीएम मोदी ने गिनाई 75 दिन की उपलब्धियां, किसानों से लेकर कश्मीर तक किया काम। ओवैसी का केंद्र सरकार पर तीखा वार, इन्हें कश्मीरियों से नहीं उनकी जमीन से प्यार। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, लोगों की रक्षा के लिए रणनीति बनाने की अपील की। पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन को मिलेगा वीर चक्र। अमित शाह के नेतृत्व में ही बीजेपी लड़ेगी झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव। इसरो की एक और कामयाबी, पृथ्वी की कक्षा छोड़ चांद की ओर बढ़ा चंद्रयान 2। उड़ान में बदलाव की नहीं दी जानकारी, अब जेट एयरवेज देगी 1 लाख रुपए का मुआवजा। नकली सामान बनाने वालों की अब खैर नहीं, हो सकती है उम्र कैद की सजा। पाक मंत्री का इंडियन सिख फौजियों पर गलत बयान, सिरसा बोले ताकत से अभी भी है अनजान। पाक मंत्री के भड़काऊ ट्वीट पर कैप्टन का मुंह तोड़ जवाब। शॉपिंग मॉल में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 17 लड़कियों सहित 24 गिरफ्तार। फरीदाबाद के DCP विक्रम कपूर ने गोली मारकर की खुदकुशी। संतरी से AK-47 छीन, ASI ने खुद को गोलियां मारी, ड्रग रैकेट में हुआ था गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, हांगकांग की सीमा पर चीन तैनात कर रहा है अपनी सेना। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी।